हेलो दोस्तों मैं अमन कुमार बीएससी के क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है तो आज हम देखेंगे बलेनोगलोसिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं बेलोगलोसिस के एक्सटर्नल मार्फोलोजी के बारे में जो कि पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो और आज हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यानी कि बलानोगलोसिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और साथ ही साथ नोट्स भी बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बलेनोगलोसिस द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म आर कम्प्लीटेड बाय एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव गल यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सभी जीवों में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव गल से मिलकर कम्प्लीट होता है तो हम बात कर रहे हैं बलेनोगलोस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो बलेनोगलोस के एलमेंट्री कैनल की बात की जाए तो द एलिमेंट्री कैनाल और बलनोगलोसिस इज़ कम्प्लीटेड यानी कि जो बलेनोगलोसिस का एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कम्प्लीट होता है यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है और एन एस जाके के एंड होती है एंड स्ट्रेट ट्यूब रनिंग माउथ टू एन एस और जो बलेनोगलोसिस की एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्ट्रेट यानी कि एकदम सीधी ट्यूब के अनुसार और रनिंग माउथ टू एन एस और वो माउथ से एन एस तक फैली रहती है द एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड इंटू सिक्स पार्ट यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उस पूरे कैनाल को सिक्स भागों में डिवाइड किया गया है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में स्टडी करेंगे तो इसमें पहला हमारा है माउथ उसके बाद बक्कल कैविटी कैबिटी और ओइसोफेगस इंटेस्टाइन एनस यानी कि इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल को सिक्स भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि स्टेप बाय स्टेप है तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउथ की तो माउथ इट इज प्रजेंट ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलरेट यानी कि जो माउथ प्रजेंट होता है वो वेंट्रल साइड में प्रजेंट होता है और प्रोबोसिस और कॉलरेट के बीच में यानी कि प्रोबोसिस और कॉलरेट के बीच में माउथ प्रजेंट होता है और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए इट हैज टू सेट ऑफ मसल्स फीवर्स यानी कि इस माउथ में दो सेट मसल्स फीवर्स पाए जाते हैं द रेडियल फीवर्स टू ओपन इट यानी कि जो रेडियल मसल्स फीवर्स होता है वो माउथ को ओपन करने में मदद करता है एंड द कंसेंट्रिक फीवर्स टू क्लोज इट यानी कि जो कंसेंट्रिक मसल्स फीवर्स होता है वो माउथ को क्लोज करने में मदद करता है द माउथ लीड्स इंटू बक्कल कैविटी और जो माउथ होता है वो बक्कल कैविटी में ओपन होता है अब हम बात कर लेते हैं बक्कल कैविटी की तो बक्कल कैविटी की बात की जाए द शॉर्ट बक्कल कैविटी ऑक्यूपाई द कॉलर रीजन यानी कि जो बक्कल कैविटी होती है वो कॉलर रीजन में पाई जाती है इट्स एपिथेलियल वॉल कंटेंस ग्लैंडुलर गोबलेट सेल्स यानी कि इस बक्कल कैविटी में एपिथेलियल वॉल पाई जाती है जिसमें ग्लैंडुलर गोबलेट सेल्स पाए जाते हैं जो कि ग्लैंड्स का सिक्रेशन करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बक्कल कैविटी ओपन इनटू फायरिंग्स यानी कि जो बक्कल कैविटी होता है वो फायरिंग्स में ओपन होता है तो अब नेक्स्ट हमारा आता है फायरिंग्स इट इज प्रजेंट इन द ब्रेंकीोजेनाइटर रीजन ऑफ द ट्रंक यानी कि ये ट्रंक के ब्रेंकीयोजेनाइटर रीजन में प्रजेंट होता है फायरिंग्स फायरिंग्स डिवाइडेड इंटू टू पोर्सन ये फायरिंग्स जो होता है वो दो पोर्सन में डिवाइड होता है जिसमें पहला है डॉर्सल ब्रेंकील पोर्सन ऑफ फायरिंग्स इट इज़ सिचुएटेड डार्सोलेटली यानी कि ये जो होता है वो डोसल साइड में प्रजेंट होती है और लेटरली यानी कि लेटरल रूप में बाई सेप गिल्स स्लाइड और इसमें यू सेप की गिल्स स्लाइड पाई जाती है एंड हेल्प इन रिस्पायरेशन जो कि रिस्पायरेशन में मदद करती हैं ये हो गए डॉर्सल ब्रैंक्यू पोर्सन ऑफ फेरिंग्स और दूसरा भाग है वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्सन ऑफ फेरिंग्स इट इज कवर्ड बाई सीटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी कि ये जो कवर्ड होता है सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम से एंड हेल्प इन फूड कंसंट्रेशन एंड डाइजेशन जो कि मदद करती है फूड के कंसंट्रेशन में या डाइजेशन में अब नेक्स्ट हमारा आता है ओइसोफेगस बिहाइंड द लास्ट पेयर ऑफ गिल्स स्लाइड द फायरिंग्स यानी कि फायरिंग्स में जो लास्ट पेरिगल्स स्लाइट होती है वहीं से स्टार्ट होती है कंटिन्यू इनटू द ओइसोफेगस यानी कि वहीं से ओइसोफेगस स्टार्ट होती है इट इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और यह जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की सबसे छोटी पार्ट होती है ओइसोफेगस अब नेक्स्ट हमारा आता है इंटेस्टाइन बिहाइंड द ओइसोफेगस इज एन इंटेस्टाइन यानी कि ओइसोफेगस के बाद इंटेस्टाइन आता है इट ऑक्यूपाई द हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक रीजन ऑफ द ट्रंक यानी कि इंटेस्टाइन में जो होता है हिपैटिक रीजन और पोस्ट हिपैटिक रीजन पाया जाता है जो कि ट्रंक में प्रजेंट होता है तो इसमें पहला है हिपैटिक रीजन द हिपैटिक रीजन ऑफ इंटस्टाइन इन हाईली वेस्कुलर यानी कि इंटेस्टाइन का हिपैटिक रीजन जो होता है वो हाईली वेस्कुलर होता है अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट्स एपिथेलियल सेल आर डार्क ग्रीन और डार्क ब्राउन यानी कि जो हिपैटिक रीजन में एपिथेलियल सेल पाई जाती है वो डार्क ग्रीन और डार्क ब्राउन कलर की होती है इट्स डॉर्सल वाल फॉर्म्स नोमेरस सिकुलेशन कॉल्ड हिपैटिक सिका यानी कि जो डोर्सल वाल होती है उसमें नुमेरस टाइप के एपेटिस का प्रजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसको हिपैटिक रीजन बोलते हैं अब नेक्स्ट हमारा था पोस्ट एपैटिक रीजन इट इज कनेक्टेड विद द वेंट्रल बॉडी वॉल ये पोस्ट इपेटिक रीजन जो होता है वो वेंट्रल बॉडी वॉल से कनेक्ट होती है इन दिस रीजन डाइजेस्ट फूड मटेरियल आर एबजॉर्ब यानी कि इस रीजन में जो डाइजेस्ट फूड मटेरियल होते हैं वो एबज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड अनडाइजेस्ट फूड पासेस टूवर्ड वर्ड एन एस जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एन एस के तरफ पास कर दिया जाता है तो अब एलिमेंट्री कैनाल का सिक्स पार्ट आता है एन एस द एन एस एट द टिप ऑफ द ट्रंक यानी कि ये जो एन एस होता है वो ट्रंक के टिप पर प्रजेंट होता है एंड अनडाइजस्टेड फूड पासिस थ्रो सराउंडेड इंस्पेक्टर मसल्स और जो अनडाइजस्टेड फूड होता है वो सराउंडेड इंस्पेक्टर मसल्स के थ्रो पास हो जाता है तो ये था बलेंोगलोसिस के एलिमेंट्री कैनाल के सिक्स पार्ट अब हम देख लेते हैं बेलनोगलोस के एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर तो ये जो है बेलनोगलोस के एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है तो इसमें जो है ये इधर वेंट्रल वाला पोर्शन है और इस साइड जो है डॉर्सल वाला पोर्शन है तो वेंट्रल साइड में जो होता है माउथ प्रजेंट होता है यानी कि ये ऊपर वाला प्रोबोसिस रीजन है और जस्ट यहीं से स्टार्ट होता है कॉलर रीजन और इस बीच वाले रीजन को हम बोलते हैं कॉलरेट और प्रोबोसिस और कॉलरेट के बीच में जो होता है वेंट्रल साइड में प्रजेंट होता है माउथ तो जो होता है फूड जो होता है यहीं से एंटर करता है फूड और वाटर और यहाँ से धीरे धीरे माउथ से फिर बक्कल कैविटी में आता है बक्कल कैविटी के बाद यहाँ पे फयरिंग्स में आता है फैरिंग्स में वेंट्रल साइड में जो होता है वेंट्रल साइड में डाइजेस्टिव पोर्शन होता है तो डोरसल साइड में जो होता है रिस्पायरेटरी पोर्शन होता है यानी कि फूड जो होता है यहीं से सीधे फायरिंग्स में आता है फायरिंग्स के बाद ओसो फेगस में ओसो फेगस के बाद सीधे इंटेस्टाइन में घूम जाता है और जो वाटर होता है वो एक ग्रस के थ्रू बाहर निकल जाता है ये जो है एलिमेंट्री कैनाल का आधा पार्ट बनाया गया है यानी कि ब्लिनोगलोसिस के केवल कॉलर वाले रीजन को ही बनाया गया है इसके बाद वैसुफेगस वाला रीजन और इंटेस्टाइन वाला रीजन इस फिगर में ड्रॉ नहीं किया गया है तो ये था बलेंोगलोसिस का एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर अब हम बात कर लेते हैं फूड फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ बेलनोगलोसिस यानी कि बलेनोगलोसिस क्या क्या खाते हैं और उनका खाने का प्रोसेस कैसे होता है और फूड डाइजेस्ट कैसे होता है उसको देखेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फूड की द फूड ऑफ ब्लैनोग्लोसिस इज स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल प्रजेंट इन वाटर यानी कि जो ब्लैनोग्लोसिस होता है वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे जीवों को खाता है एंड स्मॉल ऑर्गेनिक पार्टिकल और छोटे छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल जो होते हैं उनको खाता है परजेंट इन वाटर जो कि वाटर में प्रजेंट होते हैं यानी कि वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को ये खाता है अब हम देख लेते हैं फीडिंग यानी कि फूड को लेता कैसे है द ब्लोगलोसिस इज सीलियरी फीडर यानी कि ब्लॉनोगलोसिस जो होता है वो सीलियरी फीडर होता है यानी कि सीलिया के थ्रो तो, यानी कि सीलिया के थ्रो तो फूड को एब्जॉर्ब करता है इज ए फीडर यार ज़्यादातर रात्रि में भोजन करता है द मूवमेंट ऑफ सीलिया यानी कि सीलिया के मूवमेंट से ऑफ द वाटर इज ब्रॉट इन टू फायरिंग्स यानी कि सीलिया के मूवमेंट से जो वाटर होता है वो फायरिंग्स में इंटर कर जाता है द फूड इज कलेक्टेड इन द फरिंग्स और उस वाटर के साथ फूड भी आता है और उस फूड को फायरिंग्स में कलेक्ट कर लिया जाता है एंड पुस्ड इन टू ओइसो और उसको ओइसोफेगस में पुश कर दिया जाता है एंड देन इनटू इंटेस्टाइन और उसके बाद इंटेस्टाइन में चला जाता है द वाटर इज सेंट आउट थ्रो गिल्स और जो वाटर आया है वो गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है तो ये था फीडिंग प्रोसेस यानी कि फूड को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं अब हम देख लेते हैं डाइजेशन यानी कि ब्लिनोग में फूड का डाइजेशन कैसे होता है द डाइजेशन ऑफ बलेंोगलोसिस इज कंप्लीटेड बाई एंजाइम सीक्रिएटेड इन द गलेंडुलर सेल्स यानी कि बलेंोगलॉसिस में जो ग्लेंडुलर सेल प्रजेंट होते हैं उसी में से एंजाइम सीक्रिएट होते हैं जिससे फूड का डाइजेशन होता है द गलेंडुलर सेल प्रजेंट इन फायरिंग्स ओइसोफेगस एंड हिपैटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन यानी कि जो ग्लैंडुलर सेल प्रजेंट कहाँ कहाँ पर होते हैं वो फायरिंग्स में प्रजेंट होते हैं ओइसोफेगस में एंड हिपैटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन के हिपेटिक रीजन में यानी कि ग्लैंडुलर सेल जो होता है वो ग्लैंड का सिक्रेशन करता है या एंजाम का सिक्रेशन करता है जिससे फूड का डाइजेशन होता है तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम आप बेलोग्लोसिस के बारे में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें